हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड ईवीएस के सिलेबस, जो कि एक सीबीएसई स्कूल के सिलेबस हैं। इससे पहले मैंने मैथ के क्लास टू के सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ, साथ ही क्लास फर्स्ट के और सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो 2022-23 के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। पहला टॉपिक आ जाता है माई सेल्फ। इसके अंतर्गत बच्चों को अपने बारे में बताया जाता है कि उनके नाम क्या हैं, उनका बर्थडे डेट कब आता है, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के नेम क्या होते हैं, उनके फेवरेट गेम क्या हैं, उनकी हॉबीज़ क्या होती है, ये सारे चीज़ उन्हें बताए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन इन्हें करवाए जाते हैं। दूसरा टॉपिक हो जाता है माय बॉडी एक्सटर्नल पार्ट्स। इसके अंतर्गत बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में इन्हें बताया जाता है। एक्सटर्नल पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हैंड, लेग, माउथ, नेक। इन सभी पार्ट्स के क्या काम हैं, ये हमें, इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे चीज़ इस चैप्टर में बताए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है चैप्टर 3 माय बॉडी इंटरनल पार्ट्स। इसके अंतर्गत बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इनसाइड द बॉडी, और जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रेन, लंग्स, स्टमक। ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत उन्हें बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है माय बॉडी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के अंतर्गत ये बताया जाता है कि हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं और वो सेंस ऑर्गन से हम क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है नंबर 5 ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, इन सभी के ग्रोइंग स्टेज के बारे में इन्हें बताया जाता है। और इन सभी चैप्टरों के लास्ट में उनसे संबंधित क्वेश्चंस आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, रीअरेंज द वर्ड, आंसर इन वन वर्ड, आंसर द फॉलोइंग्स, ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग इसमें टू लाइन के सेंटेंसेज होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है चैप्टर 6 माय फैमिली। माय फैमिली के अंतर्गत इन्हें फैमिली के बारे में बताया जाता है। वैसे तो माय फैमिली इन्हें चैप्टर क्लास फर्स्ट में भी बताया जा चुका होता है, वापस इस क्लास में भी माय फैमिली, काइंड्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें बताया जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है फूड बी इट। इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि व्हाई फूड इज नीडेड बाय एवरी ह्यूमन बींग्स, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, रो एंड कुक फूड, कैल्शियम फॉर आवर बॉडी, इन सारे टॉपिक्स इन्हें बताए जाते हैं। नंबर 8, इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है काइंड्स ऑफ फूड। फूड 3 प्रकार के होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। इन तीनों फूड्स के बारे में बताया जाता है इस चैप्टर में। इन्हें ये बताया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं एंड प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 में क्लीननेस एंड हेल्थ। सफाई एंड स्वास्थ्य का क्या संबंध है, हमें कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है, ये सारे टॉपिक्स इन्हें इस चैप्टर में बताए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है क्लॉथ्स वियर। इसके अंतर्गत क्लॉथ्स के बारे में बताया जाता है। इन्हें टाइप्स ऑफ फाइबर्स बताए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत कौन कौन आता है एंड सिंथेटिक फाइबर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स
कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, मल्टीपर्पस मटेरियल, लेदर एंड इट्स यूजेस, खादी एंड इट्स यूजेस, जूट एंड इट्स यूजेस, सम डिफरेंट आउटफिट, यूनिफॉर्म, डांसर आउटफिट, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत उन्हें बताए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है हाउसेस। इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार के हाउसेस रहते हैं, जैसे फ्लैट, टेंट हाउस, इग्लो, स्लॉपिंग रूफ हाउस, फ्लैट रूफ हाउस, कार्निवेरस हाउस बोट, स्टील हाउस, टेंट हाउस, ये सारे चीज़ इन्हें बताए जाते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस बताए जाते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, व्हाट इज़ द कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, टाइप्स ऑफ कच्चा हाउस, टाइप्स ऑफ पक्का हाउस, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये सारे चीज़ इन्हें इस चैप्टर के अंतर्गत बताए जाते हैं। इसी चैप्टर के अंतर्गत इन्हें पीपल हु बिल्ड आवर हाउस, कौन से वे लोग हैं जो हमारे घर को बनाते हैं और उसके अंतर्गत वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे कारपेंटर क्या करते हैं, प्लम्बर क्या करते हैं, ये सारे टॉपिक्स इन्हें बताए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है सेफ्टी हैबिट्स। इसके अंतर्गत सेफ्टी हैबिट्स हमारी कौन कौन सी होनी चाहिए अलग अलग प्लेसों पर, जिससे कि हम सेफ रह सकें, वो इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेफ्टी एट होम, हाँ घर पर हमें कैसे रहना चाहिए जिससे हम सेफ रहें, सेफ्टी एट रोड, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी इन द बस, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल्स एंड फर्स्ट एड क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ऑक्यूपेशन। इसके अंतर्गत डिफरेंट ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, जैसे पीपल हु सेल थिंग्स, कौन से लोग क्या सेल करते हैं, पीपल हु रिपेयर थिंग्स, कौन कौन से लोग क्या रिपेयर करते हैं, पीपल हु मेक थिंग्स, सम वेल नोन एज प्रोफेशनल्स, पीपल हु इंटरटेनर्स एंड सम अदर हेल्पर, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में बच्चों को बताए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। इसके अंतर्गत कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के फेस्टिवल होते हैं ये बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, और वो कब मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। कहीं भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो ट्रैवल क्या होता है एंड किस ट्रांसपोर्ट से हम ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, स्पेशल व्हीकल्स, एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 के अंतर्गत मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत बच्चों को बताया जाता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट किन किन माध्यमों से होते हैं, जैसे लेटर, ईमेल, टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, मास कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेदर टू सीजन। वेदर टू सीजन के अंतर्गत डिफरेंट सीजन कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मॉनसून, ऑटम, विंटर, ये फाइव सीजन के बारे में इस चैप्टर में इन्हें बताया जाता है। ये कब आते हैं, इस समय क्या होता है। चैप्टर नंबर 18, प्लांट्स द ग्रीन वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंतर्गत
प्लांट्स के बारे में इन्हें बताया जाता है। इसके अंतर्गत इन्हें टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताए जाते हैं, ट्री कौन कौन से बिग ट्री होते हैं, शर्ब किसे कहते हैं, हर्ब्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, क्लिम्बर्स प्लांट कौन कौन से होते हैं, क्रीपर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, फिर हाउ प्लांट्स हेल्प अस, कौन कौन से प्लांट्स क्या क्या हमारी मदद करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है एनिमल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल, पेट एनिमल। वाइल्ड एनिमल लिव इज इन नेचुरल सेल्ट, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स लिव इन मैन मेड हाउस, एंड सम एनिमल्स एंड बर्ड मेक देयर ओन हाउस। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत बताए जाते हैं। नेक्स्ट 20 चैप्टर के अंतर्गत सोलर सिस्टम के बारे में इन्हें बताया जाता है। सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये सोलर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सन क्या होता है, प्लैनेट, आवर प्लैनेट अर्थ, द मून, ये सारे टॉपिक्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट 21 चैप्टर में एयर एवरीवेयर, हवा चारों तरफ होती है। इसके अंतर्गत एयर हैज स्पीड, डायरेक्शन एंड फोर्स, एयर की स्पीड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। स्पीड, डायरेक्शन, फोर्स, एयर इज यूजफुल। एंड लास्ट टॉपिक हो जाता है वाटर इनटू द ब्लू। इसके अंतर्गत वाटर के बारे में बताया गया है कि वाटर हमारे डे क्यों यूजफुल है, वाटर से हम क्या क्या काम करते हैं, सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था क्लास सेकेंड का सिलेबस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।